रुबिया सईद किडनैपिंग मामले की आज सुनवाई थी। सुनवाई में जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक वर्चुअली पेश हुए। जो इसमें बाकी संदिग्ध हैं, जो इसमें बाकी एक्यूज्ड हैं, वो लोग फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट थे। सीबीआई के काउंसल थे और सीबीआई के काउंसल के साथ में ही ये जितने भी इसमें आरोपी हैं उन तमाम आरोपियों के वकील भी मौजूद थे। रुबिया सईद किडनैपिंग मामले में आज रुबिया सईद ना तो फिजिकली और ना ही वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुई। रुबिया सईद मामले में आज हुआ क्या जम्मू की टाडा कोर्ट में? आज हुआ ये कि एक विटनेस, जिनका नाम तो हमारे पास है लेकिन गोपनीय रखना जरूरी है, वो आज पेश हुई। सीबीआई के जो काउंसिल हैं उनके मुताबिक उन्हें पेश इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने इस बात की पुष्टि करनी थी कि जिस समय 8 दिसंबर 1999 को रुबिया सईद की किडनैपिंग हुई थी, उस समय वो रुबिया सईद को जानती थी और रुबिया सईद उस समय वहीं पढ़ा करती थी, इस बात की पुष्टि उन्हें करनी थी। एक रिटायर्ड डॉक्टर कोर्ट के सामने पेश हुई। कोर्ट के सामने पेश होकर उन्होंने, वैसे जो दोषियों के वकील हैं उन्होंने, माफ कीजिएगा, जो लोग जो इसमें अभी तक एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड के जो वकील हैं उन्होंने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करके ये बताया कि जिस समय डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब वहाँ खड़ी ज़रूर थी लेकिन डॉक्टर साहिबा ने कुछ भी नहीं कहा। जब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा तो उसके बाद जो टाडा कोर्ट के जज थे उन्होंने मुख्य आरोपी यासीन मलिक से बात की और उनसे ये कहा कि इन्होंने आपको लेकर कुछ नहीं कहा, आप इनसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं? तो यासीन मलिक ने कहा कि मैं इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे लेकर कुछ नहीं कहा, तो इनसे सवाल पूछने का मतलब नहीं बनता। ये आरोपियों के वकील ने हमें कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में, ये भी आपको याद कराएं कि यासीन मलिक जो जेकेएलएफ के मुखिया हैं वो इस मामले में खुद अपनी पैरवी करने वाले हैं और उन्होंने पहले ये शर्त रखी, उन्होंने पहले ये कोर्ट के सामने बात अपनी रखी थी, शर्त नहीं बात रखी थी कोर्ट के सामने कि आप मुझे मौका दें कि मैं अपने मामले की पैरवी खुद करूं, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, जिरह करनी होगी, सवाल जवाब करने होंगे वो मैं खुद करूंगा, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। और आज जब विटनेस वहां पर आए तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिन करने से इनकार किया और पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगा लेकिन इसके लिए मुझे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। आपको कल भी पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के 4 अफसरों की शहादत के मामले में कल भी जब यासीन मलिक कोर्ट के सामने पेश हुए तो प्रोडक्शन वारंट को लेकर टाडा कोर्ट के जज ने जब सीबीआई से पूछा कि हमने प्रोडक्शन वारंट जो है वो तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को कहा है कि इनको पेश किया जाए यहां पर, तो सीबीआई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके साथ साथ में और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि यासीन मलिक को कोर्ट के सामने फिजिकली पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वर्चुअली पेश होकर आप जिरह कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं और वर्चुअली उन्हें मौका दिया जाए, वो जितने भी विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं लेकिन फिजिकली उनको जम्मू कश्मीर लाना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसको लेकर कल भी जो है सीबीआई की काउंसिल ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने मूव किया है प्रोडक्शन वारंट के अगेंस्ट क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन वारंट जो है वो कॉश हो जाए, उसकी जरूरत ना पड़े, यासीन मलिक अपने आप को वर्चुअली डिफेंड करे, वर्चुअली जो है वो जिससे जो सवाल जवाब करना चाहता है करे लेकिन फिजिकली उसको जम्मू की कोर्ट में लाना संभव नहीं है। लेकिन आज जो इसमें सीबीआई के सीनियर पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं एडवोकेट एस के भट्ट, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि यासीन मलिक आज पेश हुए और पेश होने के बाद जब उन्होंने ये कहा कि मैंने इनसे कोई सवाल नहीं पूछना तो सीबीआई के काउंसिल का ये कहना था, इसको देखकर हमने जज साहब से भी ये गुजारिश की क्योंकि इस मामले में यासीन मलिक जो है वर्चुअली प्रेजेंट भी रहे हैं और इन्होंने पूछा भी है तो बेहतर है कि प्रोडक्शन वारंट इशू ना किया जाए। तो अभी तक की जो जानकारी है, हालांकि अभी तक ये जो कोर्ट है, कोर्ट का ऑर्डर आज का क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर सामने ना आने से
ना आने से पहले सीबीआई के काउंसिल के मुताबिक इसमें प्रोडक्शन वारंट आज इशू नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये कि जो इसमें टाडा कोर्ट है, उस टाडा कोर्ट ने इस बात को ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जब तक जज साहब का ऑर्डर सामने नहीं आएगा तब तक इसकी इस बात को पक्के तौर पर कहना सही नहीं होगा, लेकिन अभी तक सीबीआई के काउंसिल की अगर बात को माना जाए तो यासीन मलिक की इस रुबिया सईद किडनैपिंग मामले में ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि अब प्रोडक्शन वारंट इशू नहीं किए जाएंगे इस मामले में, कम से कम रुबिया सईद मामले में। और 23 दिसंबर को जब इस केस की दोबारा सुनवाई होगी तो यासीन मलिक वर्चुअली प्रेजेंट रहेंगे और वर्चुअली ही वो अपने मामले की पैरवी करेंगे। अब 23 तारीख को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी। जहां तक 1999 में रुबिया सईद की किडनैपिंग मामले का ताल्लुक है, उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, जिनका देहांत 2015 में हुआ। उनकी बेटी रुबिया सईद को 8 दिसंबर 1999 को किडनैप किया गया और उस समय के कश्मीरी उस समय आतंकवादियों ने उनको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद आतंकवादियों ने 5 लोग जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उस समय जेल में थे, उन 5 लोगों की रिहाई की मांग की थी। उस समय की जो भारत सरकार थी उसमें वीपी सिंह जनता दल पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने इसे समर्थन दिया हुआ था। 2004 में JKLF ने इस मामले में माना था कि उन लोगों ने किडनैपिंग की है, और सिर्फ इतना ही नहीं, और उसके बाद से कोर्ट केस चल रहा है। जुलाई 2022 में आपको याद होगा कि रुबिया सैयद ने इस मामले में यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि यही है जिसने मुझे किडनैप किया था। जहां तक किडनैपिंग के मामले का ताल्लुक है 8 दिसंबर 1999 3:45 अपने घर से 500 मीटर दूर थी रुबिया सैयद नौगांव में अपने घर से दूर थी और वो ललदीद मेमोरियल वुमेन्स हॉस्पिटल से एक लोकल मिनी बस में वापस आ रही थी। 4 लोग आते हैं और उसे गाड़ी से बाहर बंदूक की नोक पर निकालते हैं और उसके बाद उसे लेकर फरार हो जाते हैं। किडनैपिंग उस समय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो आतंकी संगठन था उसने की थी और उसके बाद जो है नेगोशिएशंस हुई और नेगोशिएशंस होने के बाद शाम को 7 बजे 13 दिसंबर 1999 को डॉक्टर रुबिया सईद को छोड़ दिया गया और इससे 2 घंटा पहले भारत सरकार ने 5 कुख्यात आतंकियों को रिहा कर दिया था। और उनकी रिहाई के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बार क्लेम किया था कि उन्हें धमकाया गया था, डराया था उस समय की केंद्र सरकार ने कि अगर आपने आतंकियों को रुबिया सईद की किडनैपिंग के इवज में छोड़ा नहीं तो आप उनको धमकाया गया था, ये बात उन्होंने कही थी। और ये भी कहा गया था कि अगर उस समय वीपी सिंह की सरकार ने आतंकियों के सामने हथियार नहीं डाले होते तो शायद घाटी ने जो आतंकवाद की आग देखी है इतने सालों से, शायद वो उस तरह का आतंकवाद घाटी को देखना नहीं पड़ता। 1999 में 3 JKLF के आतंकी शौकत बख्शी, मंजूर अहमद सोफी, मोहम्मद इकबाल गंदरू इन तीनों को 9 साल के बाद इनकी बेल हुई थी। ऑलरेडी यासीन मलिक इस मामले में, किडनैपिंग मामले में उनका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में यासीन मलिक के साथ और भी अन्य कई JKLF के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो आरोपी हैं और ये मामला उनके खिलाफ इस समय चल रहा है। तो आज साफ तौर पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। पहली बात तो ये कि यासीन मलिक जो हैं वो वर्चुअली अपीयर हुए और उन्होंने ये कहा कि वो जो डॉक्टर साहिबा आई हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। उस पर CBI के काउंसिल ने कहा, चूंकि अब ये वर्चुअल हियरिंग में आए हैं और आने के बाद इन्होंने सवाल भी पूछा है तो अब प्रोडक्शन वारंट इशू करने की कोई जरूरत नहीं है इस मामले में। तो उसके बाद अभी तक की जानकारी के मुताबिक टाडा कोर्ट ने इस मामले में प्रोडक्शन वारंट तो इशू नहीं किए हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एक मामला बना हुआ है, जो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों की शहादत का मामला है, उसमें दोबारा से कल टाडा कोर्ट ने कल वारंट इशू किए और कहा कि प्रोडक्शन वारंट इशू किए और कहा कि यासीन मलिक को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो इस मामले में खुद जिरा कर सके, क्योंकि यासीन मलिक ने खुद कहा है कि वो इस मामले में जिरा खुद करेंगे, उन्हें किसी वकील की कोई जरूरत नहीं है। जो बाकी इसमें आरोपी हैं उन आरोपियों ने वकील कर रखे हैं, वो वकील भी टाडा कोर्ट में रोज पेश होते हैं।